अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोग, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? आंसर दिया करो सलाम का भी। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था, एक मिनट, फेमस डायलॉग मैं बोलना भूल गया। एक मिनट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में कमेंट किया था किसी ने कि अपने डेली लाइफ रूटीन के बारे में बताओ। तो यार रमज़ान है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ, ड्यूटी से भी ऑफ है और स्टडी में नहीं करता। फिलहाल मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, कॉल सेंटर नाइट ड्यूटी होती है। आपको नहीं पता तो मैं बताओ कमेंट में, मैं फिर बता दूँगा आपको। स्टडी मैंने रिसेंटली छोड़ दी है, ड्रॉप कर दी है। मैंने बीए का सेकंड सेमेस्टर के पेपर दिए, उसके बाद मैंने स्टडी ड्रॉप कर दी। वो रीज़न ये है ना कि पहले मैं आपको बताता हूँ एफएससी का। एफएससी के मेरा पेपर दिए, उसमें रिज़ल्ट आया तो मेरे ए ग्रेड मार्क्स सही है, ए ग्रेड मार्क्स। और मैं ज़िंदगी में कभी भी मतलब फेल नहीं हुआ। मेरे बाबा क्योंकि आर्मी में है, तो आर्मी में जो भी होता है, अगर उनके बच्चों में से कोई एफएससी में ए ग्रेड मार्क्स लेता है तो उनको फ़ंड मिलता है। फंड मतलब पैसे। ये बताने का मकसद यही है कि मतलब हल्का ना लो मुझे, सही है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर मैंने पेपर्स दिए, तो मैं थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन करने जा रहा था, तो तभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी आ गया। मैंने रिज़ल्ट किया, उन बेगैरतों ने मुझे इस्लामियात में ही फेल कर दिया। हालांकि इस्लामिक स्टडी मैंने बहुत की है, मतलब मैंने बहुत से अहादीस पढ़ी है, मैंने तर्जमा भी किया कुरान मजीद का, और बड़ी बड़ी किताबें मैंने पढ़ी है। मतलब इस्लामियात के लिए मैं ज़रा सा भी काम ना करूँ ना तो मेरे 98% मार्क्स पक्के, और उन्होंने मुझे इस्लामियात में फ़ेल कर दिया। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ ना कि प्राइवेट स्टडी बकवास है, तो प्राइवेट स्टडी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैंने ड्रॉप कर दी। तो अभी ईद आने वाली है और ईद के लिए लोग कपड़े लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी शॉप है कपड़ों की, तो उसने कहा मुझे कि वैसे भी फ्री हो इस मंथ रमज़ान में, तो मेरे साथ आ जाओ काम करो। तो अब स्माइल पासवर्ड जाएगा और कपड़े सेल करेगा। ये तो कुछ भी नहीं है यार, मैंने मजदूरी भी की है पता है। जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए ना, तो मैं फ्री हो गया और मेरे पास पॉकेट मनी नहीं थी, तो अब्बू से मांग भी नहीं सकता था। मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा, जिस कमरे में वो होते हैं ना उसमें कोई भी नहीं रह सकता, बहुत स्ट्रिक है। चलो छोड़ें उसको। तो मैंने कहा कि चलो मैं पॉकेट मनी के लिए कुछ कर लूँ। तो मेरा कज़न था, वो मजदूरी करता था, तो मैंने उसको कहा कि मैं भी करूँगा, तुम्हारे साथ जाऊँगा, वैसे भी मैं फ्री हूँ। तो उसने कहा कि नहीं यार, तुम नहीं कर सकते और तुम बस रहने दो। मैंने कहा करना मेरा काम है, तुम सिर्फ ले जाओ मुझे, करना मेरा काम है। तो मैं उसके साथ चला गया, उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर रेत और ईंटें थी, उसको सेकंड फ्लोर तक ले जाना था, तो मैं वो करता था। मेरे सारे हाथ जूते ख़राब हो गए थे, स्किन ख़राब हो गई थी, अब तो बिल्कुल सही है। अब तो समझे ना, हल्का ना लो मुझे, मैं बहुत सारे हालातों से गुज़रा हूँ। ये सब बताने का मकसद ये था ना कि मैं ख़ुद बहुत बुरे हालात से गुज़रा हूँ, और इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। मैं उस हाल में भी खुश था, अभी भी खुश हूँ। अभी भी बहुत सारे मतलब घर में प्रॉब्लम्स होती है हमारी, तो मैं खुश रहता हूँ। तो खुशियाँ खुद कर चल कर नहीं आती, सही है, यू हैव टू मेक योर ओन हैप्पीनेस। तो मैं जब भी सैड होने लगता हूँ ना, तो मैं ख़ुद को ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि ये आप वीडियो आप देखें। ख्वाबों को भी जगह न मिले,
ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, ये बूंदों की ठंड। सो इसी तरह खुद को खुश रहा करें, खुद ही खुश रहा करें, सही है, आपको कोई खुश नहीं करेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक बताओ, और सलाम, खुश रहा करें।